एक कौन सा मोहल्ला है? मसरूरगंज। अच्छा, एक बच्ची का कुछ घटना है, किस क्या मामला है? मामला है, बच्ची यहाँ से और बाहर निकली है और उसकी मम्मी ने देखा, 5 मिनट भी नहीं हुए, सिर्फ चाबी लगने गई है, ला के बच्ची को उठाओ, बच्ची का पता नहीं, उठा के बच्ची को ले गए सलमान अरबाज जी और वसीम और गफ्फार, उठा के बच्ची को ले गए, ये सब में डुलौगे करे, बच्ची के मिली नहीं और कब्रिस्तान के मार के डाल दिए बच्ची को। जब माँ 12:30 बजे ढूंढ रहे थे, माँ बच्ची गर्दन कटी हुई, बच्ची पड़ी हुई, माँ तो कितने साल की? 1.5 साल। 1.5 साल। क्या नाम था बच्ची का? माहिरा। माहिरा। तो किसी पे शक है आपको? हाँ, वसीम ने गर्दन काटी है उसकी और सलमान और अरबाज। ये कौन है वसीम, सलमान और अरबाज? ये मेरे समधी के बेटे हैं और गफ्फार उसका बाप है। तो क्या कुछ पहले कुछ? ये मेरा बेटा खत्म हो गया NRC के, उसने आ रहा था काम पे, उसमें गोली लग गई 12 जनवरी को। अब इसकी बीवी यहाँ से चली गई, सब सामान ले गई, मैंने लिखा पड़ी से पूरा दहेज, बेटे का जेवर भी, उसका जेवर 5 लाख का चेक अच्छे आदत दे गए थे वो भी दिया, 4 लाख रुपया मेरे बेटे की कमाई का वो भी सब दे दिया उसको। अब भी बार बार कंप्लेन करती है और वे परेशान करती है कि मुझे प्रूफ दो मेरे आदमी के, क्या प्रूफ दें भैया, कि आधार कार्ड दो, पोस्ट मास्टर की रिपोर्ट दो, मिट्टी सर्टिफिकेट दो। सर मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने सब कुछ दे दिया, उसी की सेम में रखा, उसके भाइयों ने पंचायत के सामने ताला खोला, सब कुछ ले गए। तो यही पुराना जो विवाद चल रहा था उसी के विषय में, जो कहते हैं इसका बाप कहता था कि हम एक हाथ में गर्दन होगी, एक हाथ में पैसा होगा, मेरे 15 मकान है और 50 लाख रुपया बैंक है, मेरा कोई कुछ नहीं करेगा। तो उसी बात को लेके ये दुश्मनी लेके मेरी बच्ची की गर्दन काट दी। और लगी कौन सी जगह है ये? मोहल्ला मसरूरगंज। अच्छा, एक बच्ची की हत्या हुई है, क्या नाम है बच्ची का? माहिरा। कैसे हत्या हुई? रात को 8 बजे तक जो खेली है यहाँ पे, जो लाइट चली गई थी उस दौरान में बच्ची को उठा लिया गया है। कैसे फिर पता लगा आप लोगों को? उसके जो पापा थे बगिया गए थे अपने पानियों को छोड़ में और उसके बाप भी आ रहे थे, तो रास्ते में उनको बच्ची पड़ी मिली थी, बच्ची गर्दन कटी हुई। कहाँ से पड़ी मिली थी? बगिया में कब्रिस्तान के सामने। कितनी बड़ी बच्ची थी? 15 महीने की। 15 महीने की बच्ची थी। तो कुछ पता लगा किन लोगों ने? पता तो कुछ नहीं चला, मगर उनको थोड़ी रंजिश चल रही थी, उनके जो चाचा थे बच्ची के चाचा थे उनके घर वालों में थोड़ी कस्टडी चल रही थी, सबकी बुनियाद को उनके दो भाइयों को उठाया गया, अरबाज और सलमान को, थोड़ी उनसे रंजिश चल रही थी और फुल तरीके से ये नहीं मालूम कौन मुजरिम है। पुलिस को सूचना हुई थी? हाँ, पुलिस भी गई थी, पुलिस भी उठा के लाई है उन दोनों को, दो लोग पकड़ में आ गए जी, सबकी बुनियाद पर उनको उठाया गया, अब फुल तरीके से कातिल का अभी तक नाम पता नहीं चला कौन कातिल है। जानकारी में लाना चाहूँगा, थाना रसूलपुर में नैनी ग्लास के पास एक गली में अंदर चल के एक 22 माह की बच्ची का शव बरामद हुआ है, जिसके परिजनों द्वारा 4 लोगों पे, जो कि उनके संबंधी ही हैं, शक जाहिर किया गया है, उनको थाने लाके उनसे पूछताछ की जा रही है, मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है, शीघ्र इसका खुलासा कर आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। अब पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित है, जैसी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है आपको अवगत कराया जाएगा। सर, पिछला देखा जाए तो ये दूसरा या तीसरा मामला इस तरह का है बच्ची की हत्या का, पहले भी एक ताई के ऊपर आरोप था, क्या था कैसे? ये मेरे संज्ञान में नहीं है, आपके माध्यम से मालूम हुआ है, इस पर भी तथ्यों की जांच की जाएगी।